किसी ने हमको बोला है कि भाई उनका बुक सेलिंग का काम है, किस तरीके से उसको ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं। दो तरीके हैं, अगर आप अमेज़न से कम्पीट करने के लिए जा रहे हो तो वही बुक्स आप उनसे शायद सस्ते में नहीं बेच सकते, शायद आप बेच भी सकते हो, तो आप पे लोग ट्रस्ट क्यों करेंगे कि कहीं आप पैसे लेके ना भाग जाओ। ठीक है, आप कैश ऑन डिलीवरी दोगे, पर अगर कैश ऑन डिलीवरी दोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे ऑर्डर करेंगे पर वो माल रिसीव नहीं करेंगे, और इसके चक्कर में आपका बिज़नेस लॉस में बहुत जल्दी आ जाएगा और आपका बिज़नेस बंद करना पड़ेगा। तो क्या करा जाए? आसान तरीका है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग जो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं आज के टाइम पे, और आप देखोगे आने वाले 4-5 साल के अंदर सारी कंपनी आपको ये करती हुई दिखाई देगी। आपको क्या करना है, आपको अपनी निश सिलेक्ट करनी है, आप किस टाइप की ऑडियंस के लिए काम करते हो। जैसे बुक सेलिंग की बात करके चलते हैं तो आपको देखना है कि वो लोग जिनको बुक पढ़ने का शौक है, सीधी सी बात। तो आप क्या करो, आप कंटेंट मार्केटिंग करो। कंटेंट मार्केटिंग मतलब यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, पॉडकास्ट डालो, आप इंस्टाग्राम पे स्लाइडर कैरोसेल पोस्ट डालो और वहां पे एक्सप्लेन करो कि ये वाली बुक की समरी क्या है, इस बुक का फायदा क्या हुआ, इस बुक से होता क्या है, इसकी लर्निंग्स क्या है, किस राइटर ने लिखा है, उस राइटर को क्या एक्सपीरियंस है, कितने लोगों के रिव्यूज आए हैं इस बुक्स के ऊपर। तो क्या होगा, इससे लोग आपको ट्रस्ट करने लग जाएंगे, जानने लग जाएंगे भाई हाँ। उसके अंदर कॉल टू एक्शन दो। अगर आप ये बुक लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हो। इंस्टाग्राम की बात करके चले तो बायो में लिंक है, वहां से आप ले सकते हो। अब ये है कॉन्टेंट मार्केटिंग, जो कि फ्री का काम है पर महंगा काम है। महंगा काम क्यों है, क्योंकि आपको कॉन्टेंट बनाना पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट आ रही है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं ही फाउंडर हूँ, मैं ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं आ रही है। पर अगर आप कोई बंदा हायर कर रहे हो उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, एड्स रन करो। कंटेंट बनाना ही पड़ेगा हमको, पर कंटेंट को उसके बाद हम मार्केट करेंगे, एड्स चला के लोगों को लेके आएंगे। स्टार्टिंग के अंदर अगर आप खुद से ऑर्गेनिकली ग्रो करने की कोशिश करोगे उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाओगे, पर अगर आप पैसा खर्च करोगे एड्स चला के तो आप ऑडियंस को जल्दी गेन कर पाओगे। धीरे धीरे लोग आपको देखने लग जाएंगे, जानने लग जाएंगे और उसके बाद कन्वर्जन आना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, एक ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूँ, कन्वर्जन ग्राफ। तो स्टार्टिंग के अंदर लोग एड स्पेंड करते हैं पर कन्वर्जन्स नहीं आती है। क्यों? क्योंकि लोग जानते नहीं होते हैं। उसके बाद एक ऐसा थ्रेशोल्ड जब पार होता है ना, जहाँ पे लोग आपको जानने लग जाते हैं, फिर आप देखते हो वहाँ पे कन्वर्जन्स एकदम बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये जो थ्रेशोल्ड है ना, यहाँ तक आपको पैसा खर्च करना जरूरी है, यहाँ तक आपको वेट करना जरूरी है अगर आप ऑर्गेनिक की बात कर रहे हो। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, खासकर इंडिया के अंदर मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है, लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। अभी तो लोगों को अवेयरनेस होनी शुरू होती है, वो जैसे ही शुरू होती है अभी आप वो ट्रस्ट कर रहा है, आप पे सीधा नहीं कर रहा, आपने पहली हार मान ली, तो खुद सोचो ना वो आप पे पहले ही ट्रस्ट क्यों, सही सोच रहा था वो आप पे ना ट्रस्ट करके, क्योंकि आपका बिजनेस 2 महीने ही चलने वाला था, उसका बंद होने वाला था, तो ऐसे बिजनेस पे कोई ट्रस्ट क्यों करेगा। तो सिंपल सी बात, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी बिजनेस हो, अगर आपको मेहनत करनी है तो दिल लगा के लॉन्ग टर्म पे मेहनत करो, तब जाके काम होता है। एक रेस्टोरेंट, एक बंदा ऑफलाइन खोलता है तो 6 महीने 8 देखता है ना उसको चला के, लॉस में भी होता है, उसको पता है 6 महीने का ब्रेक इवन आता है पर वो 6 महीने चलाता है। पर ऑनलाइन के अंदर कोई शुरू करता है तो उसको चाहिए 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर रिजल्ट्स, टाइम लगता है।